हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 1/2018 वाले कैंडिडेट के लिए अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। फ्रेंड्स, 250 एएलपी वाले कैंडिडेट का एडिशनल पैनल लिस्ट जारी कर दिया है और फ्रेंड्स ये पैनल रेलवे की स्पेशल डिमांड पर जारी किया है, जिसमें फ्रेंड्स सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे की डिमांड पर जारी किया है। और आज ही का अपडेट है फ्रेंड्स, आरआरबी गोरखपुर, जैसा कि आपको पता है, अभी तक रेलवे की स्पेशल डिमांड पर कोई भी पैनलिस्ट जारी नहीं किया था। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आरआरबी गोरखपुर ने भी कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर कर दिया है और 250 कैंडिडेट का एडिशनल पैनल जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं पूरी अपडेट को। तो फ्रेंड्स, ये रही आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए नोटिस। अब नोटिस में क्या है, देखिए, लिस्ट ऑफ एएलपी कैंडिडेट्स हु गिव ऑप्शन टू गो फॉर अदर रेलवे यूनिट आउट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एंड ऑन बेसिस ऑफ देयर विलिंगनेस फॉर रिमेडिकल टू ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे एंड बींग सेंट अकॉर्डिंगली। यानी जो कैंडिडेटों ने अपना विलिंगनेस भरा था उसके अकॉर्डिंग अदर रेलवे जोन में जाने के लिए कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया है और इसमें 250 कैंडिडेट हैं। अब देखिए, इस लिस्ट को ओपन करके देखते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां से देखिए कैंडिडेट के लिए सीरियल नंबर, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर, इधर जो CBT के रोल नंबर है वो दिए हुए हैं, कैंडिडेट का नाम, अदर नेम और जो इनको अलॉटेड जोन किया है, जो अलॉटमेंट किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी एएलपी वाले कैंडिडेट हैं अपना डिटेल चेक कर लीजिए। देखिए, सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 2 वाले कैंडिडेट हैं, अपना अपना डिटेल इसमें चेक कर लीजिए। तो सेंट्रल रेलवे से कैटेगरी नंबर 2 में देखिए टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो 29 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर सब अपना डिटेल चेक कर लीजिए। अब इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, तो ये भी कैंडिडेट यहाँ से डिटेल चेक कर लीजिए। कैटेगरी नंबर 2 मैकेनिकल वाले हैं, तो इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट हैं। यहाँ से देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 33 कैंडिडेट यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इसके बाद देखिए ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत काफ़ी कैंडिडेट हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत हैं और लगभग 284 कैंडिडेट के आसपास ऐसे हैं जो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए हैं। 286 कैंडिडेट हैं, सभी का डिटेल इसमें जारी कर दिया है। सभी कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 2 से हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट है आरआरबी गोरखपुर के एएलपी वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और रेलवे ने फाइनली इनका स्पेशल डिमांड के तहत पैनल जारी कर दिया है और बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके डिवीज़न अलॉटमेंट को लेकर। तो फ्रेंड्स, अभी ये पैनल आ चुका है, इनके डिवीज़न अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।